सो गाइज, ये हमारे पास रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी C11। और जैसे कि आपको पता है कि सी सीरीज़ जो रियलमी की है वो सबसे ज़्यादा सस्ती वाली सीरीज़ होती है। तो बॉक्स अपन को कुछ इस तरीके का देखने मिल जाता है। यहाँ पर साइड में दिया गया है रियलमी C11 और दूसरी साइड भी रियलमी C11। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम इसकी सील को ब्रेक करते हुए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और आपको बता देंगे कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी फॉइल को कट कर लेते हैं चारों तरफ से और अब इसे निकाल देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी फॉइल निकाल दी गई है। यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, 16.5 सेंटीमीटर की इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको देखने मिल जाएगी, और जो आपको पीछे एक कैमरा देखने मिल जाता है वो है 13 मेगापिक्सल का। इसमें डुअल कैमरा है तो दूसरा वाला जो कैमरा है आपको वो मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ इसमें आपको हेलियो G35 का गेमिंग प्रोसेसर भी देखने मिल जाता है। अब ये इतना ज़्यादा हैवी प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ही है। 7,500 रुपये का ये आपको मोबाइल देखने मिल जाता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है जो कि है 2 GB RAM एंड 16 GB स्टोरेज वाला, तो वही वाला ये आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, हाय वेलकम टू रियलमी फैमिली। इसे निकाल करके हम फिलहाल देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या देखने मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से थोड़े बहुत पेपर वर्क दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें अगर यहाँ पर ये दिया गया है कि इसमें आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने मिल जाएगा, तो इसे भी हम करते हैं साइड में, यहाँ से निकालते हैं मोबाइल को। तो कुछ इस तरीके से ये आपको मोबाइल देखने मिल जाता है, इसे हम रख देते हैं अभी यहीं पर। और ये जो कैमरा कटआउट दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर एक अलग तरह का कैमरा दिया गया है। काफ़ी टाइम के बाद रियलमी ने एक अलग डिज़ाइन निकाली है जो कि आपको इसमें देखने मिल जाती है। तो यहाँ पर ये आपको एक सिंपल 10 वॉट का चार्जर देखने मिल जाता है, ये एक फास्ट चार्जर नहीं है, 10 वॉट का सिंपल वाला चार्जर है। इसे रखते हैं साइड में, और मेरे हिसाब से माइक्रो USB केबल ही दी गई होगी इसमें। जी हाँ, एक माइक्रो USB केबल आपको इसमें देखने मिल जाती है, और इसमें येलो कलर का एक्सेंट भी दिया गया है जो कि रियलमी की एक पहचान टाइप की हम बोल सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ भी लगती है। इसके अलावा आपको बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिलता है। डायरेक्ट आते हैं हम अपने मोबाइल की तरफ, तो यहाँ पर से इसकी फाइल को भी हम निकाल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइट तरीके से पैक किया गया है इसे, तो इसे हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको मोबाइल देखने मिल जाता है, ये एक ग्रे कलर में मैंने मंगवाया हुआ था, और कैमरा कटआउट जो आप देख रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कैमरे देखने मिल जाते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन दिया गया है वो एकदम आईफोन 11 के जैसा दिया गया है, और हर जैसा जो आजकल सैमसंग के मोबाइल आ रहे हैं उसके जैसा लग रहा है। और यहाँ पर से एक रिबन टाइप की डिज़ाइन दी गई है, टेक्स्चर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का आपको ये मोबाइल देखने मिल जाता है। तो चलिए इसे जल्दी से हम बूट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ और फिर आपको बताऊँगा हर एक चीज़ एकदम फुल डिटेल में। तो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद रियलमी ने अपने मोबाइल का डिज़ाइन चेंज कर दिया है। पहले हमेशा वो वर्टिकल कैमरा सेटअप आता था, लेकिन अब ये कुछ आईफोन की जैसा इसका सेटअप कर दिया है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो चलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो बॉडी है पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है पीछे साइड से, इसके अलावा और यहाँ पर साइड में मेटल की फ्रेमिंग दी गई है, जिस वजह से ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर हो जाती है। इसके अलावा पीछे आपको बता ही दिया है, एक अलग तरह का कैमरा सेटअप दिया गया है, और वहीं से नीचे साइड से एक रिबन टाइप की लाइन आ जाती है जिसमें लिखा हुआ है रियलमी। ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी बढ़िया ही है। इसके अलावा अगर हम इसमें नीचे साइड देखें तो यहाँ पर आपको ये सबसे पहले देखने मिल जाएगा एक 3.5 mm जैक। उसके अलावा यहाँ पर उसके बगल में दिया गया है माइक्रोफोन के लिए, दो दो यहाँ पर दिए गए हैं, एक नॉइस कैंसिलेशन वाला होगा। इसके अलावा बीच में आपको यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट देखने मिल जाता है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, सिंपल 10 वॉट का चार्जर इसमें देखने मिल जाता है। इसके अलावा साइड में यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं, जिसका साउंड आउटपुट मुझे बढ़िया लगा। 7,500 रुपये का ये आता है, मुझे लगता है कि इस प्राइस में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा।
इसके अलावा साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक नीचे साइड देखने मिल जाएगा पावर बटन और उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। दूसरे साइड में यहाँ पर आपको सिम ट्रे दी गई है जिसमें आप 3 लगा सकते हैं, 2 सिम लगा सकते हैं, साथ ही साथ एक अलग से कार्ड भी लगा सकते हैं। और ऊपर की साइड अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर एकदम क्लीन दिया गया है, कुछ भी नहीं है। अब मैं अगर आपसे इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने मिल जाती है जो कि साइज़ में एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ओवरऑल 6.5 इंचेस की डिस्प्ले मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट रहती है। इस साइज़ का ही Realme 5 Pro आता है, बाकी मैक्सिमम मोबाइल्स इसी साइज़ के आते हैं Realme के और MI के भी। और एक नॉर्मल साइज़ के हैंड्स में काफ़ी अच्छी ग्रिप आ जाती है। अब यहाँ पर आपको कोई फुल HD डिस्प्ले देखने नहीं मिलती है, यहाँ पर एक HD प्लस का पैनल दिया गया है जो कि आपको 720p तक में ही YouTube में स्ट्रीम करा पाएगा। अब HD प्लस ही आपको मिलता है इस प्राइस रेंज में, ये एक एंट्री लेवल वाली प्राइस हो जाती है। ये एकदम सस्ते वाली मोबाइल वाली सीरीज़ है Realme की तरफ से आने वाली, और इसी प्राइस में Redmi के भी मोबाइल आते हैं। तो डिस्प्ले में भी मुझे ऐसी कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ओवरऑल जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे, एक काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले इसमें दी गई है। बाकी अगर अब हम इन मोबाइल के कैमरे की बात करें तो सामने की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिल जाता है और पीछे की साइड ऊपर की तरफ 13 मेगापिक्सल का और नीचे की तरफ डेप्थ वाला 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिल जाता है। अब इसका कैमरा ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन इस प्राइस में सबसे बेस्ट कैमरा आपको इसी में देखने मिलने वाला है। मैं आपको इसके कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसी ये रिकॉर्ड कर लेता है। सो गाइज, अब जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है हमारे C11 से, और जो माइक में से जो आवाज़ आ रही है वो भी इसी Realme के C11 मोबाइल से ही आ रही है। फोकस अगर हम चेक करें तो अच्छा दिया गया है, ऐसा ब्लर व्लर नहीं कर रहा है कुछ, और स्टेबल भी ठीक है। अगर थोड़ा सा आप अपने हाथों को सही करके हुए वीडियो बनाते हैं तो स्टेबल भी रहता है। तो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी सही लग रही है, कैमरा इसमें अच्छा ही दिया गया है। और हाँ, एक और चीज़ रहता है कि अगर आप इसमें कोई भी ऐसा लोकल सा कार्ड लगा लेते हैं तो स्टेबल थोड़ा सा कम हो जाता है, मोबाइल हैंग करने लगता है। ये चीज़ मैंने गौर की है, अगर आप बिना कार्ड के मोबाइल को यूज़ करेंगे तो स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड आराम से हो जाएगी। तो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी तो अच्छी ही लग रही है। अब अगर हम बात करें इस मोबाइल के परफॉर्मेंस की, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंट में ये वाला मोबाइल आता है जो कि है 2GB रैम और 16GB स्टोरेज। यहाँ पर और कोई भी रैम नहीं दी गई है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हेलियो G35 वाला प्रोसेसर देखने मिल जाता है जो कि एक 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, जिस वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होने वाला है। एकदम लो ग्राफिक्स में ही आप PUBG स्ट्रीम कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए एक वीडियो इसकी PUBG टेस्ट पर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, एक दो दिन में ही हम ला देंगे। और जैसे ही वो वीडियो आ जाएगी, ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा लो, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड करो तुरंत से आपको वो मिल जाए। बाकी डे टू डे यूज़ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, ऐसा लैग वैग भी समझ में नहीं आ रहा था। Realme UI के साथ ये आपको देखने मिल जाता है और काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग में तो चल रहा है। मैंने एक दो चीज़ें चला कर देखी, YouTube वगैरह भी चलाया और हल्का फुल्के 2-3 गेम भी खेले थे। अभी PUBG टेस्ट हम एक अलग से भी कर लेंगे, उसके लिए आप स्टेट्यून करिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अभी अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप बैन हो गए हैं, जिसमें से ये हेलो ऐप भी था, लेकिन इसमें हेलो ऐप अभी भी आ रहा है। इसके साथ साथ क्लीन मास्टर भी इसमें अंदर सेटिंग्स के अंदर आपको देखने मिल जाता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ है कि इसमें जो एप्लीकेशन इंडिया में बैन हो गई हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं। तो ये Realme सही नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं। तो ओवरऑल 7,500 रुपये में मुझे मोबाइल बढ़िया लगा। अब ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है और ऐसा बेकार भी नहीं है, लेकिन अब GST की प्राइसिंग बढ़ गई है, मतलब GST अब ज़्यादा लगने लगा है, और कोरोना वायरस के बाद जो प्राइसिंग बढ़ गई है मोबाइल फ़ोन्स की, उस हिसाब से 7,500 रुपये में मुझे लगता है कि एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको PUBG खेलना है तो मैं कहूँगा Realme C3 सेम प्राइसिंग में आपको मिल जाएगा, उसका जो प्रोसेसर है वो इससे ज़्यादा बेटर है, तो आप वो वाला ले सकते हैं। बाकी अगर आपको डे टू डे यूज़ में ऐसा PUBG नहीं खेलना है, सिर्फ सिंपल यूजेज करना है,
और अच्छा दिखने वाला मोबाइल चाहिए, कैमरा भी ठीक ठाक सा हो, तो आप इसे ले सकते हैं। 7,500 रुपये वाले मोबाइल की कैटेगरीज़ में सबसे बेस्ट कैमरा आपको इसमें मिलने वाला है, सबसे बढ़िया डिज़ाइन आपको इसमें मिलने वाली है। ओवरऑल मोबाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, ठीक है 7,500 रुपये का आप ले सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टेकमेट।